Hi guys, I am Shiva Mukta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2022 exam, because in this video, I am going to discuss the 10 most repeated crop questions that have been repeatedly asked in exams. ठीक है गाइस, काफी लोग क्रॉप से डरते हैं. क्रॉप स्नैप का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड ये जो 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये वही क्वेश्चन है जिनसे आप हमेशा से डरते आ रहे हो. जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं, वो कि एंगल क्या बनेगा, ये सब आपको पता है. ठीक है, इवन मैंने भी एक वीडियो बनाया, बट ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन करने बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस आने वाला है एंड आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होने लगेंगे. बस ये वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझना इस वीडियो को. चाहे तो आपको दो बार देखना पड़े, दो बार देखना, यही वैरायटी एग्जाम में आएगी. ठीक है, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं. सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बनना है. बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइस कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गैस आप हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना. 5500 प्लस मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहते हैं. एंड इफ यू लुकिंग फॉर ए रेलेवेंट फ्री स्नैप मॉक, देन यू कैन चेक आउट द मॉक. काफी ज्यादा क्लोजेस्ट इन रेलेवेंट मॉक है. mockzone.in/snap पे जाके आपको यहाँ पे रिव्यूज भी दिख जाएंगे. चलो गैस पहला क्वेश्चन देखते हैं. 240 क्लॉक्स, वन गेनिंग 10 मिनट्स पर आवर एंड द अदर लूजिंग 5 मिनट्स पर आवर पर सेट एट 10 AM, वेन विल दीज क्लॉक शो दैट सेम टाइम अगेन. तो गैस यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इसकी दो वेरायटी होती है. ये क्या है, दो क्लॉक्स हैं, दो 40 क्लॉक्स हैं. एक क्लॉक क्या कर रही है, हर घंटे 10 मिनट गेन कर रही है. ठीक है, एंड दूसरी क्लॉक क्या कर रही है, हर घंटे 5 मिनट लूज कर रही है, पीछे जा रही है. दोनों को स्टार्टिंग में 10 AM पे सेट किया गया है. हमें बताना है कि कब ये दोनों क्लॉक सेम टाइम शो करेंगे. तो गैस आप ये समझ लो कि इस तरह की दो वेरायटी होती है, थोड़ा सा चेंज होता है. जैसे यहाँ पे लिखा है सेम टाइम अगेन, इसका मतलब क्या है गैस, ये जो क्वेश्चन है इट इज सेम एज द रिलेटिव स्पीड इन सर्कुलर ट्रैक्स. आप लोग जब सर्कुलर ट्रैक्स लगाते हो तो दो रनर्स जो होते हैं वो जब रन करते हैं, आप बोलते हो कहीं पे भी वो लोग कब मिलेंगे. ठीक है, तो ये वही वाला केस है कि एनी मीटिंग एट एनी पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे तो इस केस में यहाँ पे आपका लगेगा गैप मेथड. गैप मेथड मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द गेनिंग एंड लूजिंग टाइम. ठीक है, तो दूसरा वाला जो केस होता है वहां पे गैस होता है करेक्ट टाइम वाला केस. यहाँ पे ऐसे सेम टाइम लिखा हुआ है, एक जो और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहां पे करेक्ट टाइम होगा. उसका मतलब क्या होगा कि अगर ये लोग 10 AM पे अभी हैं तो ये लोग 10 AM पे वापस 7 में कब आएंगे, तो उस केस में आप लोग लगाओगे एलसीएम मेथड. ठीक है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को ये होता है कि कब एलसीएम मेथड लगाना है, कब गैप मेथड लगाना है. इसको आप समझो एज अ रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जब आप गैस रिलेटिव स्पीड में जब आप बोलते हो कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट में कब आएंगे, तो आप एलसीएम लगाते हो वहां पे. वही चीज है, जब आप कोई पार्टिकुलर टाइम दे रहे हो इस टाइम पे सेम कब होंगे तो एलसीएम लगेगा. जब आप बोलोगे कहीं पे भी सेम होना चाहिए, चाहे 3 बज रहा हो चाहे 4 बज रहा हो, तो आप गैप मेथड लगाओ. ठीक है, तो जहाँ पे सेम टाइम लिखा होता है यहाँ पे कहीं पे भी सेम टाइम हो सकता है, कोई भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे, यहाँ पे आपको गैप मेथड लगता है. तो एक्चुअली हम लोग गैप मेथड बोलते हैं यहाँ पे, आप कर वही काम रहे हो जो आप सीएसडी में करते हो, आप एक्चुअली रिलेटिव स्पीड ही लगा रहे हो यहाँ पे एक तरह से. तो क्या देखो होता क्या है, 10 मिनट्स पर आवर गेन हो रहा है एंड 5 मिनट्स पर आवर लूज हो रहा है. ठीक है, तो गैस टोटल गैप 1 घंटे में कितना हो रहा है, अगर 1 घंटे में 10 मिनट आगे, ये 10 मिनट, ये 5 मिनट पीछे, ओवरऑल गैप कितना आया, 15 मिनट्स का गैप बना रहे हैं लोग, 1 आवर. ठीक है, 1 आवर 15 मिनट से गैप बना रहे. अब गैस ये गैप जो है इन लोगों का, ये 15 मिनट्स का है, ये गैप को हमको करना है 12 आवर्स का, तभी तो ये लोग ओवरलैप करेंगे, तभी ये लोग ओवरलैप करेंगे. मान लो ये कहीं है, ये यहाँ कहीं है, ये लोग ऐसे गैप बनाते जाएंगे तो एक टाइम पर तो ऐसे मिल जाएंगे, है ना. तो गैस आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपने देखा 15 मिनट से गैप 1 घंटे में, तो इसको आपको 12 आवर्स का गैप बनाना है. कैसे बनाओगे, पहले दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो, 60 मिनट्स का हो गया 4 आवर्स में, मतलब 1 आवर का गैप बना 4 आवर्स में, तो 12 आवर्स का क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करो, 48 आवर्स हो गया. बस मतलब ये 60 मिनट्स इज 1 आवर, 12 से मल्टीप्लाई किए 48 आवर्स हो गए, तो ये लोग 48 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे. ठीक है, तो ये चीज हो गई. तो आपका यहाँ पे कुछ डे डे तो दिया नहीं गया, संडे की मंडे, तो ये लोग 10 AM पे ही मिलेंगे, बट 2 दिन बाद पूरे पूरे. ठीक है, मतलब 10 AM पे अगर अभी है तो 10 AM अगले दिन, फिर 10 AM और, यहाँ पे आप बोलोगे 48 आवर्स बाद ये लोग साथ में मिलेंगे, तो गैप मेथड होता है. आपने दोनों गैप लिया और आपको इस गैप को बस 15 मिनट से पहुंचा के 12 घंटे का करना है. 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पे 4 आवर्स आ गया, फिर एक बार आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 48 आवर्स आ गया, मतलब इन लोग का 12 आवर का गैप 48 घंटे बाद बनेगा अभी से, तो बस 48 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा. या फिर ऑप्शन में जो दिया हो, यहाँ पे अगर डे दिया था कोई तो डे आंसर होगा कोई. ठीक है, वो चीज़ है, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, 48 आवर्स बाद. आप इसी तरह का क्वेश्चन और, टू क्लॉक्स आर सेट
टू शो द करेक्ट टाइम एट 1 AM ऑन डे। 1 AM टाइम एंड क्या, वन क्लॉक लूजेस 3 मिनट्स इन एन आवर एंड द अदर गेन्स 2 मिनट्स इन एन आवर। एग्जैक्टली आफ्टर आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बोथ द वॉचेस शो द करेक्ट टाइम। ठीक है, तो वही है कि करेक्ट टाइम आपको दिखाना है कब हुआ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये देखो, अब करेक्ट टाइम मतलब 1 AM पे ही आना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको देखो 1 क्लॉक इज लूजिंग 3 मिनट्स इन एन आवर, 3 मिनट्स 1 आवर में। हमको गाइस ये 1 AM पे भी है, तो ये पूरा 12 घंटे का गैप कब बनाएगी, मतलब वापस 1 AM पे कब आएगी वो देखना है। तो 3 मिनट का गैप, 3 मिनट का लूज कर रही है 1 आवर में, हमको इसको लूज कराना 12 घंटे, क्योंकि अभी अगर ये 1 AM पे है तो ये लौट के आगे 1 AM पे आएगी ना, तो इसका आप कराओ 12 घंटे क्या हो जाएगा, दोनों तो 20 सेंटीमीटर कर दो, 20 आवर्स, मतलब 1 आवर का गैप 20 आवर्स, तो 12 आवर्स का गैप 240 आवर्स में, तो इसका हो गया 240 आवर्स। मतलब यार ये पहली वाली जो क्लॉक है लूज कर रही है, ये 240 आवर्स बाद आएगी 1 AM पे दोबारा। ठीक है, अब दूसरी क्लॉक क्या कर रही है, ये गेन कर रही है 2 मिनट्स एन आवर, तो 2 मिनट्स का गेन हो रहा है इसका 1 आवर में, हमको इसको 12 आवर्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअली कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम वाले मेथड में मल्टीप्लाई करो दोनों को 30 से, 60 मिनट्स 30 आवर्स, हमको 12 करना है, तो 12 आवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 360 आवर्स बस। तो गैस ये क्लॉक हर 240 आवर्स के बाद 1 AM पे आ रही है, और ये वाली क्लॉक हर 360 आवर्स के बाद 1 AM पे आ रही है। ठीक है, तो वही है कि अगर आप देखो उसको, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 240 आवर्स एंड 360 आवर्स, इसका अगर आप एलसीएम लो तो क्या आएगा एलसीएम इसका, इसका एलसीएम आपका आएगा 10 तो आएगा, या कि 24 36 में क्या आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 720 आवर्स। ठीक है, अब 720 आवर्स को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे डेज में करना है, ये आपका आ जाएगा 30 डेज। तो आंसर क्या आएगा, 30 डेज। काफी लोग गलती क्या करते हैं ना, इसमें गैप मेथड लगा के चले जाए, 3 मिनट लूज 2 मिनट गेन, 5 मिनट का इतना ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एग्जैक्टली पूछ रहा है 1 AM पे कब आए, तभी करेक्ट टाइम बोला गया, यहाँ पे भी करेक्ट टाइम है, यहाँ भी करेक्ट टाइम, तो आपको समझना पड़ेगा। तो समरी क्या है, पहले वाले केस हमने गैप लगाया, यहाँ पे हमने एलसीएम लगाया। जब आप एलसीएम लगाओगे उस केस में आपको इंडिविजुअली दोनों ब्लॉक का देखना है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस, 3 मिनट में अगर 1 घंटे में गैप हो रहा है तो आपको उसको 12 घंटे कराना है बस, दोनों ब्लॉक को अलग अलग, मतलब दो एक क्लॉक हर 240 आवर से 1 AM पे आ रही है, दूसरी क्लॉक हर 360 आवर से 1 AM पे आ रही है, तो दोनों लोग साथ में कब 1 AM पे आएंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है, ESD का सर्कुलर ट्रैक्स और कुछ नहीं है, जैसे हम वहां पे करते थे डी अपॉन एलसीएम ऑफ वो, मतलब सॉरी डी अपॉन वो, दोनों की स्पीड निकाल के, दोनों का टाइम निकाल के एलसीएम लेते थे आप टाइम का, वही चीज यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, आई गेस क्लैरिटी आ गई होगी, एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा, यही दो क्वेश्चन जो है जो थोड़े टफ माने जाते हैं। अब कैसे देखो, इफ ए क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट 8:20 PM, व्हाट इज द टाइम शोन इन द मिरर। कैसे कभी भी मिरर इमेज वाली बात करूँ तो कैसे आपको क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है, 1160 से माइनस करना है, अगर आपको मिरर इमेज दी है तब भी आपको इससे माइनस करना है ओरिजिनल के लिए, मतलब आपको मिरर इमेज अगर दी हुई है आपको ओरिजिनल आने के लिए 1160 माइनस करना होगा, और अगर ओरिजिनल टाइम दिया गया है बोला है कि मिरर इमेज बताओ, ठीक है तभी आपको ये करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1160 माइनस 8:20, ये तरह से 12 से माइनस करते हैं, 12 को लिख सकते हैं लोग 1160, ये आपका आ जाएगा 340। तो जब आपका 8:20 होता है तो उसको अगर आप मिरर में देखोगे ऐसे, मिरर गाइस आपका वर्टिकल होता है, ठीक है, इसी तरह का भी आगे वाटर इमेज भी आई वो थोड़ी ट्रिकी होती है, तो मिरर आपका वर्टिकल होता है, यहाँ पे अगर 8:20 हो रहा है तो उसको अगर आप ऐसे देखोगे मिरर में तो ये 340 हो रहा होगा यहाँ पे, तो आपको हमेशा क्या करना है, 1160 से माइनस करना है। और गाइस एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको मान लो यहाँ पे 8:20 की जगह दिया होता 11:05 और तब आप माइनस करते अगर, तो आपका आंसर क्या आता, 00:55, इसको आप मानोगे 12:55, 00 के डर मत जाना, ठीक है सीधे आपका 12:55 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है बस। द क्लॉक गोज अहेड 10 मिनट्स पर आवर इफ द क्लॉक वॉज सेट एट 12 नून, वॉट टाइम विल इट द क्लॉक शो एट 6 PM ऑन द सेम डे। इजी क्वेश्चन, 1 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ रही है, अभी 12 बजे सेट किया गया, 6 बजे क्या शो करेगी टाइम, तो 6 घंटे बाद 1 घंटे में अगर 10 मिनट बढ़ रही है
एक घंटे में 10 मिनट बढ़ रही है, तो 6 घंटे में कितना बढ़ेगी? 60 मिनट्स बढ़ेगी। तो बस तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गई, मतलब 6 घंटे में 1 घंटा बढ़ी। तो जब 6 बज रहा होगा एक्चुअली, तो इसकी क्लॉक में 7 बज रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन भी स्नैप में आ सकता है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, बस यही करना है आपको। 1 घंटे में 10 मिनट अगर बढ़ रहा है, तो हर घंटे में 10 मिनट बढ़ेगा, तो 6 घंटे में 60 मिनट बढ़ जाएगा। तो जो 6 बजना चाहिए वहां 7 बज रहा होगा इसकी क्लॉक। ठीक है, एक ये और देख लेते हैं। क्लॉक गेंस 15 मिनट्स पर डे, इट इज सेट एट 12 नून, एट 4 AM इट विल शो। थोड़ा ट्रिकी है, मतलब पर डे, मतलब ये है कि 24 आवर्स में, गैस कभी भी डे लिखो 12 मंथ मान, 24 आवर्स में 15 मिनट से गेन कर रही है। हमको क्या चाहिए? अभी 12 नून पे है, 4 AM पे क्या शो करेगी? तो 12 नून से 4 AM कितना टाइम हुआ? 12 नून से 12 AM मतलब 12 घंटे को और 4 घंटे को, 16 आवर्स में हमको देखना है। तो 24 घंटे में अगर 15 मिनट बढ़ रही है, तो आपको 16 घंटे का निकालना है। क्या करो, 3 से डिवाइड करो दोनों तरफ, 8 आवर्स में आ गए 5 मिनट्स, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आवर्स में आ गया 10 मिनट्स। मतलब कैसे, मैं डायरेक्टली कर दिया। अगर आप थोड़ा मेथड से करो, तो आप क्या करना है, 24 घंटे में अगर 15 मिनट बढ़ रहे हैं, 1 घंटे में कितना बढ़ रहे हैं? 15 बाई 24, 1 घंटे बढ़ रही है। तो 16 घंटे में कितना बढ़ रहा है? (x)16 करो। वही चीज मैंने डायरेक्टली कर दी, हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया, फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। ये करोगे तब भी आपका 10 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, 16 घंटे में 10 मिनट बढ़ेगी। तो जो टाइम 4 बज रहा है, वो होगा अभी 4:10, 4:10, ये टाइम हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इफ ए क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एज 8:20 PM, व्हाट इज द टाइम शोन इन द वाटर इमेज? देखो गाइस, वाटर इमेज है, वाटर इमेज आपको ट्रिक बता देता हूँ। कभी वाटर इमेज क्वेश्चन आता है, तो आपको गाइस 1830 से माइनस करना है इसको, या फिर 1790 से माइनस करना है, बस ये ट्रिक आता है। वाटर इमेज में डिफरेंस क्या होता है, वाटर इमेज आपका ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल इमेज बनती है, ये चीज है। तो गाइस आपको या तो उसको 1830 से माइनस करना होगा, या तो 790 से माइनस करना होगा। जैसे अभी 8:20 है, इसको अगर आप माइनस करो 1830 से, ये आ गया आपका 10:10। ठीक है, ऐसा ठीक है। बट कभी कभी क्या होगा, मान लो अगर यहाँ पे 1840 होता, सॉरी 840 होता, क्वेश्चन में अगर 840 होता, आपसे पूछता वाटर इमेज क्या बनेगी, तो आप फंस जाते। आप 1830 से माइनस करते कैसे, इसको कैसे माइनस करते, 3040 है। तो वैसे 1830 और 1790 है एक ही चीज। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, ये 18 घंटे को 1 घंटा वहां भेज दिया हमने, वहां वहां चला गया 1 घंटा। ठीक है, तो ये 90 हो गया 60 में, ये 17 हो गया, ये एक चीज है। तो 1790 मेरा है, ठीक है, तभी मेरा है। तो कभी कभी जब आपका 40 आएगा ना यहाँ पे, तो आप 1790 यूज करोगे, 1790 माइनस 840, ये मेरा आ जाएगा 950। ठीक है, जनरली ये चीज है। पहले यहाँ पे मैं एक चीज आपको और वार्निंग टाइप की दे रहा हूँ। वार्निंग क्या मतलब, एक आपको पहले से बता रहा हूँ कि स्नैप गलतियां बहुत करता है। एक्चुअली कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे 10:10 आ रहा है, ये आ रहा है, ये 99.9% यही ऑप्शन में दिया जाएगा। इन केस अगर ये ऑप्शन में ना हो, तो आपका जो भी आंसर आ रहा है उससे -1 कर लेना, 1 घंटा कम कर लेना। जैसे 10:10 आ रहा है, 10:10 आ रहा है, ऑप्शन मान लो 10:10 नहीं, तो आप 9:10 ढूंढना, 9:10 एक हो, उनमें से एक होगा। 99.9% आपका यही आंसर रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। बट बाई चांस अगर ऐसा होता है कि स्नैप इस नाटक करता है, अगर वहां पे ऐसा हो कि ऑप्शन ही ना हो, तो आप डरना मत कि ये क्या बता दिया, आप 1 आवर माइनस करके देखना ऑप्शन, वो आपका आंसर होगा ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम से एक बार हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी ऐसा यही है फॉर्मूले से। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ लो बस, 1830 और 1790। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि स्नैप में आ सकता है इस तरह का, क्योंकि मेरे इमेज लोगों को आता है, वाटर इमेज नहीं। एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 AM या PM पूछ कर लो, विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल? कैसे, देखो आप लोगों को ये पता है कि कभी 5 से 6 के बीच में क्या होता है, तो आप लोग 5:30 तक डरना मत, आप 5:30 लो ही मत, 5 ही लो। क्योंकि कैसे, कभी भी आप जो 5 से 6 के बीच में देखते हो ना, तो आपको दो एंगल दिखते हैं, तो उसको 5:30 मत मानो, उसको 5 to 6 मानो। तो आप क्या करते हैं ऐसे केस के लिए, आपको एंगल दिया है, आपको बस टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 30H माइनस 11m/2 मॉड का,
यहाँ पे आपको 90 दिया हुआ है, आप देखो करके, आप जो देखोगे मेरिट आपका 30 के ऊपर आना चाहिए। अगर 5 से 5:30 बीच में आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा, दूसरा वाला आंसर होगा। तो हम रखेंगे एच को कितना, 5 ही रखेंगे। 150 माइनस 11/2 ये कितना आ जाएगा, ये मेरा बेसिकली आ जाएगा एम, मेरा यहाँ से आ जाएगा 120/11। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका 11 बन जा, ये आपका नहीं है, ये आपका 5:30 के ऊपर नहीं है, 5:10 के अराउंड कुछ है ये, ठीक है, 5:10 के अराउंड कुछ है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको आप रिवर्स करोगे आप, क्योंकि मॉड लगाया ना तो रिवर्स भी कर सकते हैं। 90 = 2 हो जाएगा, 11/2 - 150, तो ये वहां जाएगा। एम आपका आ जाएगा 480/11। अब ये देखो आप, 11 4 = 44, तो 540 करीब हो गया, ये आपका आंसर है। ऑप्शन क्या दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, या तो इसको ही मिक्स प्रश्न में देंगे लोग, ये आपका आंसर हो, ठीक है। 5:40 के अराउंड राइट एंगल बन रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ अगर ऐसा दिया रहता है ना, जैसे प्रॉपर 5 और 6 दिया होता तब तो आप कर लेते, जब 5:30 आता तो डरते हैं, डरना नहीं है आपको, 5 ही सही करना है, ठीक है। गाइस आगे बढ़ने से पहले काफी लोग को इनको काफी लोग के पेंगे चार्ज रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो बता देता हूँ कि हमको स्नैप का क्रैश कोर्स है, काफी ज्यादा डिटेल और काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। गाइस आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि स्नैप जो एग्जाम है यहाँ पे खाली बेसिक्स क्लैरिटी से नहीं होता है। आप एग्जाम में अगर बैठे हो सामने, तो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, अगर वाकई आपको निकालना है एग्जाम अच्छे परसेंटेज से। बेसिक्स वगैरह सब करके जाते ही है। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स है यहाँ पे, हम लोग की जो लाइव क्लासे हुई थी करीब 200, उसमें से 40 क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी गई मैंने, जहाँ पे पीएनसी प्रोबेबिलिटी नंबर ज्योमेट्री पूरा कवर्ड है, क्लॉक्स कैलेंडर्स भी कवर्ड है, ठीक है, एंड आपका क्रिटिकल रीजनिंग पूरा कवर्ड है, और भी कई चीजें हैं, प्लस 300 मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट्स बोल दो, या 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। 400 क्वेश्चन दे देंगे आपको PYQ के, इसमें आपका SRCC टेस्ट CMAT सब रहेगा, 41 वीडियोस में लाइव प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत हेल्प करेंगे व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पर, ये जूम पे, एंड 15 फुल लेंथ स्नैप के मॉक्स होंगे। सॉरी, तो गैस ये चीज रहेगी। तो गैस ये कोर्स जो है काफी ज्यादा इकोनॉमिकल लगता है, इसका कॉस्ट सिर्फ और 1999 का है, और ये अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका चांस है पढ़ने का, क्योंकि तो खाली फॉर्मूला आने से नहीं होता गैस, वैरायटी होना बहुत जरूरी है। आपको ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन देखा नहीं, ठीक है, काफी लोगों को काफी बेनिफिट मिल रहा है, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो अगर आपको स्नैप निकाल रहे हो, क्योंकि आपको इतना पैसा देते हो फॉर्म्स वगैरह में, अगर आपको लगता है कि आपको नीड है डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि 30-32 मार्क्स जो मॉक्स में आ रहे हैं बहुत ही नॉर्मल मार्क्स है, ऑलमोस्ट सबका आता ही इतना मार्क्स। 32 को 42 में कैसे बदलना है वो खाली मॉक से, बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोई मॉक देके इतना इम्प्रूव कर लेगा 10 मिनट, क्योंकि आप वैरायटी कितनी भी कर लो वो नहीं हो पाएंगी चीजें, टाइम लगता है। अगर आप बहुत ही अच्छे से मॉक एनालाइज करके बात अलग है, वरना कंटेंट की दिक्कत है। यहाँ पे आपको सब चीजें क्यूरेटेड फॉर्म मिलती है, आप बस दिन रात 10 घंटे 8 घंटे पढ़ते रहो, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जो है देखते रहो, अगर आप सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख के जाओगे आराम से आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं आगे। हाउ मेनी डिग्रीज विल मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच सेकंड हैंड मूव्स 480 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन, मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेगी उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये 480 डिग्री मूव कर रही है, ठीक है। तो गाइस आप देखो, सेकंड हैंड जो होती है ये 60 सेकेंड्स चल में 360 डिग्री बनाती है, तो ये 480 डिग्री कितनी देर में बनाएगी, 60 सेकेंड्स में, ठीक है। तो 1 डिग्री थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, काफी लोगों की बेसिक दिक्कत आती है, तो 480 कितने बनाएगी, ये कितने सेकंड्स में, 80 सेकंड्स में। तो गैस 80 सेकंड्स में ये इतना कर रही है, आप 80 सेकंड्स में मिनट हैंड कितना डिग्री बना ली, मिनट 80 सेकंड्स को अगर आप चेंज करो तो कितना आएगा, 60 + 20 मतलब 1 मिनट एंड 20/60, 1/3। तो इधर से आपको बताना है 4/3 मिनट्स में मिनट हैंड कितना डिग्री बनाएगी, और मिनट हैंड हम देखें क्या होता है, मिनट हैंड का 60 मिनट्स कवर करती है ना वो 360 डिग्री, तो हमको 4/3 में निकालना है, 60 मिनट्स में 360 बना रही है, 1 मिनट कितना बना रही है सबको पता है 6 डिग्री, अगर 1 मिनट इतना बना रही है भाई तो 4/3 मिनट कितना बनाएगी, 60 × 4/3, ये क्वेश्चन एक्चुअली स्नैप में आ सकता है, 8 डिग्री आंसर। फिर से करो अपने आप, ठीक है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। आप बस ये देखा करो कि जो सेकंड हैंड पूरे राउंड करती है उसमें टाइम कितना ले रही है, 60 सेकंड ले रही है और 360 बना रही है, तो उसका आपका आ गया, इसे मिनट में देख लो बस। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्नैप में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि
थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और टाइम भी कम मिलता है स्नैप पे, डेफिनेटली स्नैप भी रेलिवेंट है। 8 डिग्रीज का आंसर है ये क्वेश्चन। अच्छी वैरायटी है। ए वॉच विच गेंस यूनिफॉर्मली इज 4 मिनट स्लो एट 9 AM ऑन संडे, ठीक है, एंड इज 4 मिनट 15 सेकेंड फास्ट एट 9 PM ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट फ्राइडे मतलब यही है कि अपकमिंग संडे के बाद जो फ्राइडे आ रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एक और हफ्ते बाद, ऐसा नहीं, ठीक है, संडे के बाद मंडे ट्यूजडे में जो फ्राइडे आएगा उसी बात, ठीक है। वेन वॉट इज करेक्ट, वेन वॉज इट करेक्ट, तो हो क्या रहा है, एक वॉच है, एक ही वॉच की बात हो रही है, ये यूनिफॉर्मली गेन कर रही है, ठीक है, बट ये 4 मिनट स्लो है 9 AM संडे, एंड 4 मिनट 15 सेकंड फास्ट हो गई है 9 PM नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब आने वाले फ्राइडे तक। मतलब अगर हम देखें तो हो क्या रहा है ना, अगर हम देखें तो 4 मिनट पहले स्लो थी, अब वो 4 मिनट 15 सेकंड फास्ट हो गई, उसने कितना गेन करा, तो हम ये देखेंगे, उसने 8 मिनट 15 सेकंड गेन कर लिया, कब, 9 AM संडे से लेकर 9 AM फ्राइडे तक, 9 PM फ्राइडे तक। तो 9 AM संडे से 9 AM फ्राइडे, ये आपके हो गए 5 डेज, मतलब 24 × 5 प्लस, क्योंकि 9 PM दिया हुआ है तो 12 घंटे और ऐड करेंगे, ठीक है, तो 120 + 12 132। तो आपको बस ये देखना है, पहले कोई वॉच जो 4 मिनट स्लो है, फिर वही वॉच कुछ टाइम बाद 4 मिनट 15 सेकंड फास्ट होगी, तो गैप देखो ना, पहले स्लो से नॉर्मल हुई होगी, फिर नॉर्मल से फास्ट हुई होगी, है ना, तो ओवरऑल गैप देखो, हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि नॉर्मल कब हुई होगी, वो 4 मिनट स्लो से नॉर्मल हुई होगी पहले, सही टाइम पे आई होगी, फिर फास्ट हुई होगी ना, हमको बताना क्या है उसमें कि वो नॉर्मल कब हुई होगी। तो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन, पहले पूरा गैप देखेंगे, 8 मिनट 15 सेकंड का गैप कितनी देर में हो रहा है, 132 आवर्स में हो रहा है, ठीक है। तो वैसे हमको एक्चुअली पता क्या निकालना है, हम हमको 4 मिनट का गेन कराना है, क्योंकि तो 4 मिनट स्लो थी, तो हम 4 मिनट का गेन देखेंगे कब होगा, तो उसको चेंज कर दो मिनट से पूरे, तो 8 मिनट्स + 1/4, ये 33/4 मिनट्स गेन कर रही है 132 आवर्स में। 11 से काटो गैस, 1 मिनट में 1 मिनट का ये गेन हो रहा है इसका 16 आवर्स में। हमको गैस क्या कराना है, ये 4 मिनट स्लो है, हमको इसको 4 मिनट आगे कराना है ना, 1 मिनट का गेन 16 आवर्स बाद हो रहा है, तो 4 मिनट का गेन कब हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 64 आवर्स बाद बस, तो 4 मिनट जो स्लो थी वो जब 4 मिनट आगे जाएगी तो करेक्ट हो जाएगी, बस ये करना है। तो 64 आवर्स बाद, मतलब कब, 9 AM के 64 आवर्स बाद, 24 × 2 = 48, तो 9 AM संडे से 9 AM मंडे, 9 AM मंडे से 9 AM ट्यूजडे, तो 9 AM ट्यूजडे तक तो हो गया 48 आवर्स, फिर 12 घंटे और ऐड कर दो तो 9 PM ट्यूजडे हो गया, 60 आवर्स हो गए आपके, अब 4 घंटे और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 AM वेडनेसडे, 1 AM वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार और समराइज करूँ ये वैरायटी को, एक ही क्लॉक की बात हो रही है, वो पहले कुछ स्लो थी, फिर कुछ टाइम बाद वही फास्ट हो गई, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, पूरा गैप देखना है कि पूरा गैप कितना कर रही है, कितने टाइम में, फिर आपको जो स्लो वाला पार्ट है 4 मिनट स्लो है इसको आप बढ़ा दो बस, क्योंकि स्लो हो गई तो फास्ट हो रही है, तो आपको बस 4 मिनट आगे बढ़ाना है इसको, तो 1 मिनट जो फास्ट हो रही है 16 घंटे में, तो 4 मिनट फास्ट होगी 64 घंटे में, तो 9 AM के 64 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 AM वेडनेसडे, 1 AM वेडनेसडे इज आंसर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखो, दो दो तीन तीन बार वीडियो देखो, खुद लगाओ क्वेश्चन, कंफ्यूजन है बिल्कुल, रट जाना चाहिए क्वेश्चन, टिप ऑफ द टंग में होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये हम करा चुके हैं यूट्यूब में, बट स्टिल ले लिया मैंने, क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock एंड सो ऑन, इफ इट टेक्स 6 सेकेंड्स टू स्ट्राइक एट 3 o'clock, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक एट 9 o'clock। गाइस आप ये चीज देखो कि जो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें इंटरवल वाला केस है, 6 सेकेंड्स ले रही है टू स्ट्राइक 3 o'clock, ठीक है, तो गाइस जो 3 o'clock में 3 बार इंटरवल होते हैं, तो 3 बार ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, अब 3 बार है, पहली बार स्ट्राइक तो हो ही जाएगा, तो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए ना, आप सोचोगे कि 6 सेकेंड्स इसने 3 बार करने के लिए लिए, बट एक्चुअली ये 2 इंटरवल्स के 6 सेकेंड ले रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लग रहा है कि 6 सेकेंड्स में 3 बार काम हो रहा है, बट पहले बार तो हो गया, उसके बाद 6 सेकेंड लिए, तो आपको एक कम करके लेना है, तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटरवल्स के लिए 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, तो हमको बेसिकली 9 o'clock का पूछा गया है ना, तो हम 9 o'clock में 8 इंटरवल्स का निकालेंगे, ठीक है, तो 2 इंटरवल्स का 6 सेकेंड्स, तो 1 इंटरवल का 3 सेकेंड्स, तो 8 इंटरवल्स का कितना हो जाएगा, 24 सेकेंड्स,
आंसर आ जाएगा। तो आप गलती क्या करते हो, आप 6 को 3 से कर देते हो, जबकि 2 इंटरवल्स को 6 से करना है और आपको 9 की जगह 8 का निकालना होता है, क्योंकि जैसे आपने कोई चीज अभी प्रेस करी तो वो काउंट हो गया तुरंत, फिर आगे जो 2 बार है वही आपका 6 सेकंड में काउंट होगा, क्योंकि पहली बार तो कर ही चुके हो, टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो चीज है। बाकी क्वेश्चन बहुत फिक्स वैरायटी पे आते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 3 बार में आपको 3 नहीं लेना है, 2 लेना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार तो हो ही चुका है, तो बेसिकली 2 2 बार जो बेल बजेगी उसके लिए 6 सेकंड लिए जा रहे हैं। इसी तरह 9 9 o'clock में 9 बार स्ट्राइक तो होगा, पर पहला स्ट्राइक तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि अपने आप तुरंत हो जाएगा, 8 स्ट्राइक्स काउंट होंगे, इसलिए वो 8 इंटरवल से निकाला। तो 1 इंटरवल में 3, तो 8 इंटरवल में 24। ठीक है, तो गाइस हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार देखो। और गाइस अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियोस और हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कि एक मोटिवेशन है हम लोगों को फ्री वीडियोस बनाने का इस तरह के, बिकॉज ये प्योर कंटेंट बेस्ड वीडियो है। ठीक है, टू द पॉइंट बात हो रही है। एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ रेलिवेंट स्नैप मॉक्स, देन यू कैन चेक आउट द मॉक्स, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल मॉक्स है, 15 मॉक्स एट 799। इसको आप देख के एनालाइज करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वर्स्ट केस के लिए तैयार रहोगे, कैट सबको आइडिया लगी क्या कि सारे एग्जाम्स आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो बिल्कुल 20 दिन के लिए अंडरग्राउंड होकर पढ़ लो। कैट जैसा भी किया कुछ मैटर नहीं करता, स्नैप का जो SIBM पुणे कॉलेज है वो ऑलमोस्ट, क्या मैं तो मानता हूँ, पूरा ओल्ड टाइम बन चुका है मुझे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 25 लाख का एवरेज पैकेज देना मजाक नहीं है, 200 बैच। ठीक है, नो डाउट आई एम का टैग नहीं है, बट SIBM पुणे का लेवल जो है बिल्कुल मैच करता है उससे। ठीक है, 25 लाख एवरेज पैकेज कम नहीं है, 200 बैच सही से, एंड मैट के मार्क्स 799 के। ठीक है, काफी इकोनॉमिकल मार्क्स है और काफी रेलिवेंट। बाकी आप रिव्यूज देख सकते हो गाइस, हम लोग क्रैश कोर्स के, पहले क्रैश कोर्स लिया फिर फुल कोर्स में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग गाइस फुल कोर्स भी है 3000 का, उसमें सारे लेक्चर्स कवर्ड है, उनके लिए है वो जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो फुल टाइम पढ़ सकते हैं, और जिन लोगों को टॉपिक बाई टॉपिक सब कुछ कवर करना है रेलिवेंट वो भी है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, आप करोगे वो भी अच्छे से आपका हो जाएगा, काफी लोग ले रहे हैं तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, हम लोग के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सीमैट सीईटी SRCC का बैच स्टार्ट हो रहा है, काफी डिटेल से कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से वैरायटी क्लास में कवर करा दी जाती है आप लोगों को, ताकि आप लोग का कुछ बचे ही ना। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ने के लिए रेडी हो तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको निकालना से एग्जाम, कोई भी हो जाए। ठीक है, इवन कैट हो चाहे नॉन कैट हो, कोई भी एग्जाम। ठीक है, ये हम लोग के बैचेस आ रहे हैं। ठीक है, सीमैट सीईटी SRCC टेस्ट के, 8 दिसंबर को हम लोग का लास्ट बैच है, SRCC का एग्जाम की डेट भी आ गई, 6 फेब। बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 5 लाख फीस, 10 लाख का एवरेज पैकेज, 11 लाख सब कुछ मिला के 75 मिनट का खाली है, GDPI मॉक सब कुछ। ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है मेरे, यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड mockzone.in/snap में जाके आप देख सकते हो कोर्सेज वगैरह। ठीक है, स्नैप का क्रैश कोर्स एंड मॉक्स। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।